सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और नया कुछ इंटरेस्टिंग सा व्लॉग, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो भाई, ये साफ सफाई चल रही है भाई। और इधर से अभी हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। अरे भाई, पूरा पानी पानी हो गया भाई। तो अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। थोड़ा आपने पता नहीं समीर ने कैसी वायरिंग कर रखी है, क्योंकि जब ना तब इसका वायरिंग ख़राब हो जाता है, फिर इसका वायरिंग करवाना है। और इसका नंबर प्लेट पीछे वाला, जैसा मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बताया था कि इसका नंबर प्लेट मतलब पूरा इस तरीके से चपटा हो गया था, तो हम लोगों ने नया नंबर प्लेट ऑर्डर कर दिया था। तो अपना नंबर प्लेट भी आ चुका है, तो चलो आज चलते हैं मुजफ्फरपुर, अपना नंबर प्लेट लगवाएंगे और वायरिंग करवाएंगे और आप लोग को घुमाएंगे। चलो फिर, पहले अभी यहाँ से हाईवे देख सकते हो, सामने आप लोग को हाईवे दिख रहा होगा। और पता नहीं भाई, बहुत दिनों के बाद वॉक कर रहा हूँ, तो मतलब थोड़ा सा तो मैनेज कर लो भाई। मैं बहुत कोशिश करता हूँ टाइम मैनेज करके कि अपना मैं व्लॉग व्लॉग बनाऊँ, बट काम ही इतना ज़्यादा होता है और इस वजह से मैं व्लॉग कर ही नहीं पाता हूँ। चलो एक विधि विधि हो जाए। ये वाली विधि कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ना भाई, आप लोग को कुछ नया सा दिख रहा होगा भाई, ये वाला बॉटल कैप हम लोगों ने लगाया है, जो कि BSDDP की तरफ से आता है। और ये ना भाई, मेरे को स्पॉन्सर्स में नहीं मिले हैं भाई, मैंने खुद से लगवाए हैं भाई। और इसका मिरर भी हटा दिया। और अब कैसा लुक आ रहा है, ये लुक आप लोग चेक करके बताना कि लुक आप लोग को कैसा लग रहा है। ये देखो भाई, क्या मतलब मेरे को तो एकदम सही सा लुक लग रहा था, बट आप लोग बताना इसको रखना है या फिर हटाना है। अगर इसके ऊपर व्लॉग चाहिए कि इसको कैसे इसको इंस्टॉल करते, ये देख सकते हो। मैंने तो भाई मतलब मेरे को इसका कोई काम नहीं है, इसको नहीं हटाना था, इसलिए बस मैंने मिरर को हटा के मिरर वाले में इसको सेटअप कर दिया। बाकी अगर इसको सेटअप करने का दूसरा तरीका, लेकिन मैंने सबसे ईजिएस्ट वे में देख सकते हो इसको सेटअप कर दिया भाई। और बहुत जल्दी ना भाई, एक लॉन्ग राइड अनाउंस करने वाला हूँ मैं, क्योंकि लॉन्ग राइड बहुत ही जल्द होने वाली है। बहुत ही जल्द मतलब समझ लो इस महीने के अंदर ही लॉन्ग राइड, मतलब 300-500 किलोमीटर की जितनी भी होगी उतनी लॉन्ग राइड अपन मारेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ पे टॉप एंड खींचते हैं। चलो, बहुत दिनों बाद आए हाईवे पे, डायरेक्ट फिफ्थ गियर से खींच रहा हूँ भाई। थोड़ा सा विंड आज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करना गाइस। भाई 140 के पार ही नहीं जाती भाई, मैं 140 पार अभी मैं 2 सेकंड में भगा के दिखा दूं। बोलो, दिखा दूं, ये देखो 250 है भाई, हल्के में मत लो। चलो, ओ भाई नेपाल नंबर की गाड़ी है, ये देख लो, ले लो 146 तो पता नहीं यूं ही चली जाती है भाई। पता नहीं कौन लोग हैं यार जो 250 को बदनाम कर रहे हैं कि 140 से ऊपर नहीं जाती है। ये देख लो भाई, मैंने लाइव आप लोगों के सामने एकदम 2 मिनट के अंदर दिखा दिया 150 कैसे जाती है अपनी बाइक। और चलो अभी तो फिलहाल चलते हैं, अपने काम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ मैं आप लोग को दिखाऊँगा अभी हाईवे तक का ही। फिर चलो चलते हैं, सबसे पहले अपना HSRP नंबर प्लेट लेते हैं, उसके बाद देखते क्या करना है। चलो वाह, एक बार ये चेक करो, यही अपना मरीन ड्राइव देख सकते हो। मतलब मैं जब भी मुजफ्फरपुर की तरफ आता हूँ तो आप लोगों को मरीन ड्राइव ज़रूर दिखाता हूँ। इधर देख लो, अभी भी काम चल ही रहा है भाई, कुछ तो एकदम ना तगड़ा सा बनने वाला है इधर। मेरे को लगता है इधर, जैसा मैंने पहले भी बताया था, इधर फुटपाथ टाइप का कुछ बनेगा, तो बनेगा फिर भी दिखाएँगे, और बनते रहेगा वो भी दिखाएँगे, सब दिखाएँगे भाई अपने चैनल पर। अरे अरे भाई, क्या भाई, क्या छपरी था भाई। चलो गाइस चलते हैं अभी इधर से, पहले गरीब को लेते हैं, फिर उसके साथ गरीब वाले काम करते हैं। सो गाइस, तो अभी हम लोगों ने नंबर प्लेट ले लिया है, और अपने पुराने नंबर प्लेट का देख सकते हो भाई क्या हालत हो चुका है। पूरा मतलब समझो तो ही पूरा ख़त्म हो रही है, आवाज़ भी कर रहा था। ये रहा अपना पुराना नया नंबर प्लेट। चलो अभी इसको फिटिंग करवाते हैं, और अपना कुछ छोटा मोटा काम और है, कम्प्लीट करते हैं और चलते हैं। तो गाइस, मुजफ्फरपुर का कुछ ऐसा हाल हो चुका है
कि मतलब जो लोग हेलमेट नहीं लगाए उनका भी चलान हो जाता है, और जो लोग मतलब कुछ क्राइम नहीं भी कर रहे हो उनका भी चलान कट जाता है। बट सामने एक सर जा रहे हैं, सुधर इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस के ऑफिसर है ये, और इनका नंबर प्लेट गाइस देख सकते हो BR06BK9323। और अब इनका चलान काट के दिखाओ गाइस, जैसे आप लोग मतलब सबका चलान जैसे काटते हो वैसे ही सब इनका भी चलान काट के दिखाओ, तब मुझे समझ में आएगा भाई। ठीक गाइस, नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया, और इस क्लिप को ना भाई एकदम वायरल कर दो, ताकि सब कुछ मतलब जिनका जिनका भी फॉल्स चालान कटा है उनको थोड़ा सा जस्टिस मिल पाए कि भाई पुलिस को भी हेलमेट लगाना चाहिए। अभी ना तो वो किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं भाई, ना किसी को चेज कर रहा है, बट लॉ को ऑफेंस कर रहा है भाई खुद, मतलब बिहार पुलिस की मतलब ड्यूटी करते हुए लॉ ऑफेंस करना एकदम मतलब क्राइम है भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि वीडियो लोग ऊपर तक जा सके और इनका भी चालान कट सके। सो गाइस, तभी आ गया भी अपन लोग अमर सिनेमा, और अमर सिनेमा में चलते हैं इस शॉप पे और लगवाते हैं अपना नंबर प्लेट और वायरिंग सही करवाते हैं, और फिर चलते हैं इधर से। पहले चलो, पहले अपना जो काम है वो उसको कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, तभी हम लोग आ गए हैं शॉप के अंदर, और ये देख लो भाई कितना बड़ा कूलर है। और समीर भाई वाला काम करते हो समीर भाई आप? सरल सरल सुपर बाइक को पूछते हैं ना, तो ठीक है ओल्ड को पूछिए ना। ऐसा वायरिंग कहाँ करते हैं समीर भाई के लिए? वायरिंग थोड़ी होता है। हाँ, उलझा हुआ तरह वायरिंग कर देते हैं कि आपका गाड़ी ही उलझा हुआ है, हर बार वायरिंग फेल कर देते हैं। लीजिए आपके लिए वो गिफ्ट लाए हैं, गिफ्ट लीजिए ना भाई। गिफ्ट दे रहे हैं? हाँ तो गाइस, तो भी अपना काम हो चुका है कंप्लीट। आप ठीक? अरे नहीं है, चेक करा दे। तो गाइस देख सकते हो ये अपना नंबर प्लेट लग चुका है आगे पीछे से सर भी दोनों, और ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैं लाइट एक बार चेक करा देता हूँ सामने दुकान वाले को अंधा करके। दुकान वाले हो गए अंधे, और फ्लैशर का भी वायरिंग सही हो गया, वायरिंग वाला भी काम हो गया, दोनों काम हो गया। और अब चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट कांटी, चलो हाईवे पे मिलते हैं। सो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, और आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का था, और आज का ब्लॉग बस यहीं तक था।